नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। सिवनी के अलोनिया टोल प्लाजा में भीषण सड़क हादसा, 3 महिलाओं सहित 5 की मौत। टैंकर में घुसी तेज रफ्तार कार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अलोनिया टोल प्लाजा में सोमवार शाम हुआ भीषण सड़क हादसा। जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर बंडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत अलोनिया टोल प्लाजा में 21 दिसंबर सोमवार की शाम करीब 6 बजे तेज रफ्तार कार टोल में खड़े एक टैंकर में घुसी। भीषण सड़क हादसे में कार में सवार 8 लोगों में से 5 की मौके पर मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं व 2 पुरुष हैं। मृतक व घायल एक ही परिवार है। 3 घायलों को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार क्रमांक KR52N0908 में सवार पटेल परिवार बनारस उत्तर प्रदेश से कर्नाटक के बेंगलुरु निर्मंगला क्षेत्र लौट रहे थे। भीषण सड़क हादसा टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कार वाहन को विजय बहादुर पटेल चला रहा था। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद कई टन बजनी टैंकर वाहन आगे दौड़ गया। भीषण हादसे से टोल प्लाजा में मौजूद कर्मचारी कुछ देर के लिए सहम गए। दर्दनाक हादसे में कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। बाद में टोल कर्मचारियों ने कार के पास पहुंचकर मृतकों व घायलों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस वाहन से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर और पुलिस बल ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कार वाहन को टोल प्लाजा हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू की। मृतकों में पति पत्नी व बेटे सहित परिवार के 5 लोग शामिल हैं। मृतकों में 3 महिलाएं व 2 पुरुष की मौके पर मौत हो गई। यहां घायलों का इलाज जारी है। बनारस से पटेल परिवार कार से वापस कर्नाटक लौट रहा था। अलोनिया टोल प्लाजा में खड़े टैंकर में तेज रफ्तार कार झगोसी हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। छपारा से अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट।